मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। साथियों, एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। हम सबको याद होगा वो 8 अप्रैल का दिन, जब एक निर्दोष युवक भुवनेश्वर साहू का बेदर्दी से, दर्दनाक तरीके से हत्या हुई थी और 8 अप्रैल की उस घटना की पृष्ठभूमि भी आप सबके संज्ञान में जो लाई गई थी कि क्यों ये भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई। लगातार क्षेत्र में लौंग जिहाद की घटनाएं हो रही थी, वो भुवनेश्वर साहू की हत्या की पृष्ठभूमि थी और भुवनेश्वर साहू की हत्या होने के बाद 8 तारीख की घटना है कि इन परिस्थितियों में भुवनेश्वर साहू का दाह संस्कार हुआ या सबके ध्यान में है। 10 अप्रैल को मैं जाना चाहता था उनके परिजनों से मिलने, मुझे मिलने देने से बजाय सरकार ने गिरफ्तार किया और लगातार सरकार ने इस मामले में एक तरफा कार्यवाही की। अनेक अवसर आए जब हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर रही है। एक तरफ जो भुवनेश्वर साहू के परिजनों ने 40-41 अभियुक्तों का नाम दिया, उनमें से केवल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, शेष की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई और सरकार एक तरफा कार्यवाही करके कभी आगजनी का मामला हिंदू समाज के ऊपर बनाया, कभी 302 का मामला बनाया और हिंदू समाज के लोगों को लगातार प्रताड़ित किया, परेशान किया। लगातार पुलिस के लोग उनके घरों में गए और बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच में दहशत और दबाव का वातावरण बनाने का काम किया। और कल जो सत्र न्यायालय का फैसला आया है, वो सत्र न्यायालय का फैसला हमारी बातों को प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से सरकार ने बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किया और जो अभियुक्त बताए थे भुवनेश्वर साहू के पिता, उनके भाई ने जितनी संख्या बताई थी, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन अभियुक्तों को न पूछताछ की गई, न उनकी गिरफ्तारी की गई और आज भी वो खुले घूम रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर निरपराध हिंदू समाज के नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनको जेल में डाला और कल जो फैसला आया है, सेशन ट्रायल नंबर 25/2023 में अजय रजक एवं 7 अन्य 8 अभियुक्तों के मामले का कल फैसला आया है। उस फैसले में जो माननीय न्यायालय ने कहा है, मैं वो आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत करता हूं कि देखिए किस प्रकार से अन्याय हिंदू बहुसंख्यक समाज के खिलाफ इस सरकार ने किया है। और ये बात माननीय न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हो गया कि जो हम आरोप लगा रहे थे वो तथ्यों पर आधारित था, ये स्पष्ट हो गया है। मैं फैसले का पैराग्राफ नंबर 21 पढ़कर आपके सामने सुनाता हूं। इस प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में परीक्षित कराए गए
अन्य दोनों अभियोजन साक्षियों एवं साहू धनेश साहू का कथन न्यायालय में दर्ज कराया गया है और इन दोनों अभियोजन साक्षियों ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। इन दोनों अभियोजन साक्षियों ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। इन दोनों अभियोजन साक्षियों ने प्रकरण के विवेचना के दौरान दर्ज किए गए अपने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के कथनों के अनुरूप न्यायालय में ऐसा कथन नहीं किए हैं कि वे अभियुक्त शिवा मंडावी को प्रार्थिया खातून बी के मकान में आग लगाते हुए स्वयं देखे थे और उनका ऐसा भी अभिकथन नहीं है कि घटना पर उपस्थित दर्शित किए गए अन्य अभियुक्त गणों ने उक्त प्रार्थिया के मकान में आग लगाया था और इस संबंध में वे अभियुक्त शिवा मंडावी का सहयोग किए थे। आगे इसी पैराग्राफ में माननीय न्यायालय लिखते हैं कि प्रकरण में किसी भी अभियोजन साक्षी के द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान भी ऐसा अभिकथन नहीं किया गया है कि वे अभियुक्त गणों को प्रार्थिया खातून बी के मकान में आग लगाते हुए स्वयं देखे थे और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी भानु प्रताप पटेल के द्वारा बेमेतरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा बेमेतरा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री कल्याण एलेसेला के निर्देश में बिना किसी सुदृढ़ एवं सुसंगत साक्ष्यों के ही अभियुक्त गणों के विरुद्ध यह मामला तैयार किए जाने के उद्देश्य से ही न केवल उन्हें निरपराध रूप से गिरफ्तार किए हैं बल्कि उन्हें बिना किसी विधिक साक्ष्य के ही इस मामले में अभियोजित किया गया है, जिसके कारण अभियुक्त गणों को काफी दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहना पड़ा है। और आगे इस प्रकरण के फैसले में पैराग्राफ 22 में विद्वान न्यायाधीश लिखते हैं कि अभिलेख में उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य इस प्रकरण में विवेचना कार्यवाही के दौरान इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी त्रिभानु प्रताप पटेल तथा उन्हें विवेचना हेतु मार्गदर्शन देने वाले बेमेतरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल तथा उक्त विवेचना टीम का नेतृत्व करने वाले बेमेतरा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री कल्याण एलेसेला के घोर उपेक्षा एवं लापरवाही को दर्शित करता है, जिसके संबंध में पृथक से विधिक एवं निष्पक्ष जांच किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। और फिर पूरे प्रकरण की विवेचना के उपरांत पैराग्राफ 24 में विद्वान न्यायाधीश ये कहते हैं कि इस प्रकरण में उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों के परिशीलन से ऐसा ही स्पष्ट होता है कि इस मामले में बिना किसी विधिक एवं सकारात्मक साक्ष्य के ही अभियुक्त गणों को आरोपी बनाते हुए उन्हें अभियोजित किया गया है एवं उक्त त्रुटिपूर्ण विवेचना के लिए इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी सहायक उप निरीक्षक भानु प्रताप पटेल के साथ उक्त त्रुटिपूर्ण विवेचना की कार्यवाही हेतु मौके पर उपस्थित रहकर इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल तथा इस प्रकरण के विवेचना कार्यवाही में टीम का नेतृत्व करने वाले बेमेतरा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री कल्याण एलेसेला के द्वारा किए गए पूर्णतः उत्तरदायी होना प्रतीत होते हैं। उपरोक्त तीनों पुलिस अधिकारियों क्रमशः प्रकरण के विवेचना अधिकारी भानु प्रताप पटेल मौके पर उपस्थित रहकर प्रकरण की उक्त विवेचना को
मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, मामले की विवेचना कार्यवाही करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले बेमेतरा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री कल्याण एलेसेला के द्वारा किए गए उपरोक्त घोर उपेक्षा और लापरवाही पूर्ण विवेचना के कारण इस प्रकरण के अभियुक्तों को काफी दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में भी रहना पड़ा है, जिसके संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाना और उपरोक्त दोनों अधिकारियों के द्वारा इस प्रकरण में किए गए विवेचना संबंधी घोर उपेक्षा एवं लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध पृथक से जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः इस निर्णय की एक एक प्रति राज्य के पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय तथा एक प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं उक्त निर्णय की एक प्रतिलिपि जिला बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जाए और पैराग्राफ 25 में सभी 8 आरोपियों को न्यायालय ने उपरोक्त सभी धाराओं के आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है, ये फैसला दिया है। ये फैसला इस बात को बताता है कि राज्य की सरकार किस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ कार्यवाही कर रही है और आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, ये इस बात को बताता है। और इसलिए ये सरकार आज भी जो आरोपी बताए गए हैं भुवनेश्वर साहू के हत्या के मामले में 40 लगभग लोगों का नाम जो आप सब ने देखा था, सुना था, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को झूठे मुकदमे में जेल में डालकर इस तरह से प्रताड़ित और परेशान किया गया है और ये लौजवाब के कारण से ये घटना हुई थी। और ये किस प्रकार से आज प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात है, ये इस बात को स्पष्ट करता है। देखिए, हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर लड़ते रहे हैं कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बहुसंख्यक हिंदू समाज को दबाने का, तोड़ने का प्रयास लगातार किया है। चाहे वो कबीरधाम की घटना हो, बीरनकीपुर की घटना हो, कुर्सी पार की घटना हो, इस प्रकार से ये काम कर रही है। अनेक घटनाएं, चाहे नारायणपुर में धर्मांतरण का खिलाफत करने वालों के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाने का मामला हो, लगातार ऐसी घटनाएं आई है जो ये बताता है कि ये सरकार बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ किस प्रकार से कार्यवाही कर रही है। देखिए, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और भुवनेश्वर साहू को न्याय मिले इसके लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। पुलिस की न्याय जांच की मांग करते हैं क्या? न्यायिक जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये माननीय न्यायालय ने भी कहा है, हमने भी शुरू से इस विषय पर कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हरेक दोषी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा कि हिंदू समाज के खिलाफ, बहुसंख्यक समाज के खिलाफ सरकार की जो दुर्भावना है और समाज को दबाने के लिए ये मामला, झूठा मामला दर्ज करके समाज को दबाने का, प्रताड़ित करने का काम राज्य की सरकार के निर्देश पर हुआ है। ये बताइए, इसके लिए सरकार को दोषी मानी रहे, अधिकारी भी दोषी, अधिकारियों के खिलाफ क्या आप लोग न्यायिक प्रक्रिया अपनाएंगे? उनकी जांच गड़बड़ती है, आप बोल रहे हैं तो अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन है? देखिए, माननीय न्यायालय ने ही आदेश कर दिया है कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए।
तो किसी सिटिंग जज से या इस तरीके से और मांग की जाएगी, क्योंकि आगे भी आगे की प्रक्रिया क्या होगी, सवाल यही है, क्योंकि कोर्ट ने तो नकार दिया है। हमने शुरू से ये विषय कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और न्यायिक जांच हो इस मामले का, ताकि दोषी सामने आ सके और उनको कड़ी सजा मिल सके। इसमें तो सजा का प्रावधान है, अगर बिना साक्ष्य के कोई अधिकारी किसी की गिरफ्तारी करता है तो क्या सेक्शन जो 220 है उसके तहत उनको ले जाया जाएगा? आप लोग रिपोर्ट है। देखिए, हम इस बार भुवनेश्वर साहू को न्याय मिले, दोषी लोगों को सजा मिले, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। तो चुनावी मुद्दा बनाएंगे क्या? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। अरे उनको बोला तो ना यार। देखिए, वास्तव में ये इतना गंभीर विषय है कि छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ये सरकार लेकर जा रही है और सरकार की मंशा क्या है, ये स्पष्ट हो गया है। और हम ऐसे मामले में पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। बिहार पुलिस अधीक्षक को निर्देशन दिया जा रहा था गृहमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा? देखिए, ये तो निष्पक्ष जब जांच होगा तो किसके निर्देश पर हुआ ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, एक सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिकरण किया जा रहा था, आप भी गए, आपकी पार्टी के तमाम नेता गए, कांग्रेस के भी कई लोग गए, कहीं उस सबकी आड़ में कहीं गलती से मामला दर्ज कर दिया गया? देखिए, सांप्रदायिक रंग किसने दिया ये माननीय न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हो गया है। किसने किया, किसके मन में क्या था, माननीय न्यायालय के फैसले से बहुत स्पष्ट हो गया कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश राज्य की कांग्रेस सरकार ने की है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।